शुभ प्रभात, कौन से ये तीन काउंटर्स हैं जहां पर ब्रोकरेजेस ने कॉल्स दी हैं जो आज बाजार में काम करती हुई दिखे? गुड मॉर्निंग शैल जी। देखिए, जो ब्रोकरेज है उसमें शुरुआत करते हैं पहले फार्मा काउंटर्स की, जहां लुपिन पे दो रिपोर्ट आई हैं। एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट जहां उनका लक्ष्य है 1335 रुपए, और सीएलएसए की कॉल जहां उनका टारगेट है 950 रुपए। जहां तक की लुपिन का सवाल है, ब्रोकरेजेस काफी पॉजिटिव है और लुपिन ने अभी डायग्नोस्टिक कारोबार शुरू किया है, यानी जो पैथोलॉजी लैब्स का कारोबार है वो कंपनी शुरू करने जा रही है। वाशी में इन्होंने ऑलरेडी एक फैसिलिटी डाल दी है और ब्रोकरेजेस का मानना यह है कि अगले 3 साल तक कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेगी डायग्नोस्टिक कारोबार के लिए, शायद इससे आपको मार्जिन में बहुत जबरदस्त सुधारा मिल सकता है और मुनाफे में बड़ा कंट्रीब्यूशन इस कारोबार से आ सकता है। कंपनी का इनिशियल टारगेट है कि 100 लैब और 1000 कलेक्शन सेंटर खोले, जो कि ब्रोकरेजेस के हिसाब से काफी अच्छा टारगेट माना जाता है अगले 3 साल के लिए अक्रॉस इंडिया। ये बात हुई लुपिन की। अब बात करते हैं डॉक्टर रेड्डीज की, जहां नोमुरा का टारगेट जो है लगभग आया है 6000 रुपए के आसपास का। कंपनी को रिसेंटली नुवारिंग करके एक ड्रग है उसका अप्रूवल मिला है, एक बड़ा ड्रग माना जाता है इसको, जहां ब्रोकरेजेस का अनुमान है 25 से 35 मिलियन डॉलर्स के आसपास की बिक्री का अनुमान है, जिसका मतलब है कंपनी 200 से 250 करोड़ की बिक्री इस अकेले ड्रग के ऊपर कर सकती है। जहां तक की नोमुरा का सवाल है, नोमुरा को लगता है कि लगभग जो मुनाफा है आपको 70-80 करोड़ का इस ड्रग से आ सकता है, और आगे चलते हुए अगले 12 महीने में नुवारिंग का कंट्रीब्यूशन काफी बड़ा हो सकता है डॉक्टर रेड्डीज के लिए। तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट डॉक्टर रेड्डीज के लिए। और आखिर में बजाज फाइनेंस की बात करेंगे, जहां सीएलएसए ने एक सेल कॉल रखा है, टारगेट है 6000 रुपए। वैल्यूएशन के लिहाज से सीएलएसए को लगता है कि बजाज फाइनेंस का शेयर महंगा है और काफी बड़ा बेस होने के कारण अब सीएलएसए को लगता है कि कस्टमर का जो बेस ग्रोथ है वो शायद आगे चलते हुए थोड़ा बहुत धीमा होता हुआ आपको दिखाई दे। लुपिन को बात करेंगे क्योंकि वहां 3 ब्रोकरेजेस की रिकमेंडेशन हमने इकट्ठी की है। सीएलएसए का लक्ष्य श्रीराम ट्रांसपोर्ट पे 1600 रुपए है, जेफरीज का अंडर परफॉर्म रेटिंग है, लक्ष्य है 1250 रुपए, और जहां तक की जेपी मॉर्गन का सवाल है, इनका ओवरवेट कॉल है, लक्ष्य है 1550। ब्रोकरेजेस जो बुलिश है उनका 1550 से लेकर 1600 तक के टारगेट आपको दिखाई दे रहे हैं। जहां तक की सीएलएसए का मानना है कि जहां तक की फाइनेंशियल इंपैक्ट का सवाल है, मर्जर किसी टाइप की बड़ी सिनर्जी थ्रो अप नहीं करता है, और जहां तक की जेफरीज का सवाल है, मैनेजमेंट का कहना यह है कि 10% सिनर्जीज आपको बनती हुई दिखाई देंगी मर्जर के बाद और इससे पॉजिटिव इंपैक्ट होगा ईपीएस पे। और जेपी मॉर्गन का मानना यह है कि जो टेक्निकल ओवरहैंग है, क्योंकि टीपीजी और पिरामल जैसे निवेशक यहां मोनेटाइज कर सकते हैं, तो शायद यहां से आपको अपसाइड काफी लिमिटेड देखने को मिल सकती है। तो ये बात हुई श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की। जहां तक की पिरामल एंटरप्राइजेस का सवाल है, यहां जेफरीज का बाय रेटिंग है, लक्ष्य है 3050, और जेफरीज का मानना यह है कि पिरामल आगे जाके हुए आपको श्रीराम ग्रुप का जो स्टेक है इनका लगभग 5% का वो मोनेटाइज करते हुए दिखाई दे सकता है, और आगे चलते हुए आपका जो लिस्टेड एंटिटी है श्रीराम कैपिटल वो अब मोनेटाइज हो पाएगी, क्योंकि इतने टाइम वो अनलिस्टेड थी। तो जैसे ये 6-8 महीने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, शायद आपको पिरामल में और अपसाइड होते हुए दिखाई दे सकते हैं।